नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर हैं। एक और दुखद खबर, 36 वर्षीय सनी सिंह, जो इस समय इस दुनिया में नहीं है, हम खुद से कुछ नहीं कहेंगे, उन्हीं के परिजनों से उन्हीं की दास्तान, यानी कि उनके जो गम है इस समय, उनकी आंखों से जो छलक रहा है, साफ उनका दर्द बयां कर रहा है। पूरी जानकारी जानते हैं कि आखिर सनी सिंह को क्या हुआ, कहाँ था वो, और किन हालातों में, किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई। चलिए हम उनके परिजनों से बात करते हैं। जी अंकल जी, आपका नाम? प्रभु सिंह। अंकल, पूरी बात बताइए, हम चाहेंगे हमारे माध्यम से आपने अपनी बात को रखिए। प्रभु सिंह जी, जी सनी सिंह कहाँ था? हाँ जी, क्या हुआ उसको, ये बताइए। कोई पता नहीं है जी। मैसेज आया सुबह सनी सेठ की डेथ होगी परसों। कहाँ पे था सनी, ये बताइए? कोटपुरा, कोट बलवाल जेल में। जेल में था। पूरी बात आप बताइए, बिना झिझक आप रखिए अपनी बात। जी 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 जी। कोट बलवाल जेल में कितनी देर से था वो? उसको हो गया 11 साल हुई। 11 साल हुई। किस केस में था अंकल? 302 में। 302 मर्डर के केस जी में। जी जी। तो क्या कोर्ट अभी तो कोई हो गया था ये कि वो वाकई उसने मर्डर किया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कोर्ट में केस चल रहा था। जी जी। तो 11 साल से वो लगातार आप जाते रहे हो, मिलते रहे हो? जी जी। क्या क्या था, ठीक था? ठीक ठाक, कोई बीमारी नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ? आज सनी नहीं इस दुनिया में, आप लोगों के बीच में नहीं है, क्या हुआ सर बताइए? परसों फोन आया था उन्होंने, भाई वो मेरी अप्रूवल कराओ, मैं कराने थोड़ी जी। तो बस आज सवेरे 5 बजे मैसेज आया भाई डेथ हुई उन्होंने। उसके बाद आप यहाँ पे आए? आए सवेरे खज्जल हो 7 बजे, कोई पूछे को मैसेज कहाँ से आया अंकल? थाने से। थाने से? किस थाने से? बिश्नाह से। आप रहते कहाँ हैं? दियोली। दियोली, बिश्नाह दियोली में रहते जी जी। आपको मैसेज आया तो आप यहाँ पे दौड़े चले आए? हाँ, मैंने सुनाया मेरे जात है ते प्रतिया दुआ, इन्हें सुनाया मैं। चलो, क्या बताया जा रहा है किस वजह से उसकी मृत्यु हुई? बीपी हो गया। बीपी उसको है कि नहीं? कभी आप मिलने जब 11 साल के अंदर जाते रहे मिलने से? कुछ नहीं है इसको, बीमार नहीं हुआ। अभी जो आपने जब पूछा कि एकदम से कैसे मृत्यु हुई, आपने कहा कि 2 दिन पहले मैं मिला हूँ उससे, तो कभी उसने बताया? 5 दिन हुआ उसकी मुलाकात डाला हूँ। उस टाइम में ठीक था? बिल्कुल ठीक है। कोई बातचीत होती थी आपके लिए, क्योंकि बीमारी की या कुछ इस तरह? कुछ ठीक, कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं जी। हाँ जी जी। ये आपको किसने बताया कि बीपी बढ़ गया था, उसकी डेथ हो गई? ये थाने वाले ने बताया। थाने वाले बस, बिश्नाह दियोली वाले जी जी। उनको भी जहाँ से मैसेज आएगा उसी तरह से आपको बताया जी जी। क्या लगता है अंकल आपको? लगना चाहिए जी, मेरे हिसाब से चाहे तो कोई चाहे कोई खाई ली चीज ने चाहे मारे गया, दो ही गल। अब क्या चाहते हैं अंकल? पता लगना चाहता वैसे इसी की गल हुई है, कोई मारे गया है चाहे कोई बीमारी कने बीपी कने किया मारे है। कितनी आयु थी इसकी, उम्र कितनी थी? कोई 36 साल। शादीशुदा थे? नहीं जी, अभी कवारे थे जी जी। तभी आप क्या चाहते हैं कि आपको डाउट है कि कुछ ना कुछ है उसके पीछे का? हाँ, कुछ तो कुछ है। देखो ना, परसों साढ़े कने गलबात हो रही है, यदा भनवा श्रीनगर आंदा उसी फोन किया था इन्हें परसों, वह बेचारा छुट्टी ले गया जवाब। पता लगने जो की गल हुई जी, जी मारे सट लगने कोई मरी है अंदर। आप रोइए मत, हम समझते हैं आपको दर्द को। जब भी इस तरह का कोई सामने आता है, माता पिता पर क्या बीतती है, हम इस चीज़ को भली भांति, और हमारी जनता जी भी जो इस समय आपको देख रही है भली भांति समझती है कि बच्चे जो बुढ़ापे का सहारा होते हैं। बीमार नहीं हुए कभी ये मुलाकात जन्ने नोड़ी है, 5-7 दिन 10 दिन बाद मुलाकात पाने नोड़ी। ठीक ठाक थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उसको, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई बीपी भी नहीं है उसका जी। हां जी, क्योंकि वहाँ जेल में तो चेकअप होता रहता है जी जी जी, और पेरेंट्स को भी उसकी बताते रहते हैं उसकी क्या हिस्ट्री है। कुछ नहीं है जी। हाँ, 5 दिन वो मैं कपड़े देकर आया हूँ उसको, पुराने कपड़े लिए उधर से, नवे कपड़े देकर आया हूँ, तो ठीक ठाक कुछ नहीं है, कोई कुछ बीमारी में ठीक है डैडी मेरी, अप्रूवल कराओ, मैं कराई उन्हें कोई गल नहीं जी। हाँ जी, अज पता लगा सवेरे डेथ हुई है, फिर भी नहीं मना दिया, फिर फोन किया GMC जाओ उसे डेड बॉडी। तो यहाँ से सुबह आए कोई पुलिस यहाँ से? कोई कुछ नहीं पूछा भी नहीं कहना जी, कभी इधर फिर आने कभी इधर फिर आने कभी इतने आए जी, 7 बजे नहीं बस। कोई क्या चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो पुलिस आला अधिकारी उनसे क्या उम्मीद करते हैं, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? नहीं, बीमार नहीं है, पता तो लगना चाहिए कि क्या मारे है, कोई ना मारे है ऐसी चाहे की गल हुई है। चलिए इनसे जानते हैं, आइए आप इधर आइए। सर आपका नाम?
मेरा नाम पंकज सिंह। आप क्या लगते हैं सनी सिंह के भाई? हूँ छोटा उसका। क्या क्या कहना चाहोगे आप पंकज जी? नहीं कुछ नहीं, मतलब यही होना चाहिए कि किस वजह से उसकी वो डेथ हुई है। बीमार तो था ही नहीं वो, ना कोई ये बता रहे हैं बीपी बूपी की तो है ही नहीं है। आप जाते रहे हो मिलने उससे? हाँ मैं नहीं, मतलब वहाँ कभी कभार जाता था, ज़्यादा फादर साहब ही जाते थे। हाँ जी 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 आए 5-6 दिन पहले उसकी मुलाकात डालने गए थे। बोल रहा था कपड़े कपड़े भेजो तो वो सर्दी वाले ले जाओ तो गर्मी वाले भेजो। डैडी घर में दिया, मैं जाओ दिया फिर गए तो उस टाइम बोल रहे थे ठीक ठाक है, कोई बीमार कोई कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ तो कई बार एसटीडी पे भी बात होती है, कई बार रवि लगी हुई है उससे भी बात की, सभी से कोई ऐसी कोई है ही नहीं कोई। जी 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 तो जाते रहे लगातार बात करते, आप भी आपसे भी होती रही, पापा से भी होती जी जी जी। कभी लगा आपको कि इनकी सेहत खराब है या कुछ ऐसा होगा? ना 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 बिल्कुल नहीं, कोई अगर वो कुछ चाहता होता तो वो भी बताता हमें, खा ही नहीं बस दिखता ही नहीं था कोई बीमारी भी है जी। 11 साल से लगातार वहाँ से जेल में थे वो। जी जी केस चल रहा था जी जी जी। हाँ ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा था जी जी जी। अभी ये साबित नहीं हुआ था कि वाकई उन्होंने मारा? नहीं 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 साबित हुआ, साबित नहीं हुआ जी जी जी। तो अगर 11 साल से जो इंसान जेल में रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं, एकदम से कैसे हो गया? तो नहीं हमें वही तो नहीं समझने को, वही तो डाउट हो रहा है कि किस वजह से हुई डेथ। आपको डाउट है कि इसकी जानकारी होनी चाहिए? जानकारी मिल गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस वजह से इसकी डेथ हुई है, कि बीमारी से हुई है, बीमार तो था ही नहीं, चलो फिर भी यार चलो हमें पता चले किस वजह से हुई डेथ, बस और क्या करना भाई, तो रहा नहीं तो चलो यही थोड़ा बहुत पता चल जाए कि किस वजह से। कोई ना जेल से आया है, कोई बंदा 7 बजे से हम आया है, ये कोई बीमार है 7 बजे से आए हुए, ना कुछ खाया ना कुछ है, तो चलो खाया तो ऐसे ही नहीं जाएगा, तो ना ही किसी ने पूछा ना कुछ है, कोई बोल रहा उधर जाओ, कोई बोल रहा उधर जाओ, इधर भी गए थे, इधर वाले बोल रहे वहाँ पे जाओ, ये वाले बोले वहाँ पे जाओ। क्या चाहते हैं आप, किस तरह की आप कुछ भी नहीं, चलो बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए और क्या, कि किस वजह सच आना चाहिए कि किस वजह से हुई डेथ इसकी, बस और क्या। जी धन्यवाद। हाँ जी जी चलिए इनसे जानते हैं। जी सर आपका नाम? रंजीत सिंह। रंजीत जी आप क्या कहना चाहेंगे? हमें पूरी जानकारी चाहिए, इधर सुबह से आए कोई पूछ नहीं रहा क्या हुआ क्या नहीं, ना कोई जेल का इधर आया, हमें बताना चाहिए ना क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं, हम चाहते हैं। जब हमने एसएचओ बिश्नाह से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें पीसीआर से कॉल आया था, चलो पीसीआर से जो भी इन्फॉर्मेशन आई थी उसी के माध्यम से हम यहाँ पर डेड बॉडी को यहाँ पे पहुँचाया। तो वो घर वालों को ही कॉल कर सकते है ना, बिल्कुल बता तो सकते है ना क्या हुआ क्या नहीं, सुबह से इधर आया ना कोई देखने भी नहीं जाने दे रहे हमें अंदर, बस हमें इंसाफ चाहिए और पूरा पता चलना चाहिए हुआ क्या। जी धन्यवाद। दर्शकों लगातार हमने बताया इस परिवार की, जो कि सनी सिंह जिसका नाम है, जिसकी उम्र 36 वर्ष है, जो 11 साल से मर्डर के केस में कोट भलवाल जेल में थे, 11 साल से लगातार माता पिता जो भाई भी मिलने जाते रहे पर कोई भी ऐसी बात सामने नहीं है जिससे लगे कि बीमारी से ग्रस्त है। जिस तरह से उनके पिता ने कहा कि 5 दिन पहले भी मिले हैं, उन्होंने कपड़ों की मांग की और साथ ही साथ उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं दिखी कि जिससे लगे वो बीमार है। ये लोग यही चाहते हैं कि कम से कम तथ्य क्या है, किस हालातों में उसकी मृत्यु हुई है, वो तथ्य सामने आने चाहिए। सनी तो वापस नहीं आएगा पर कहीं ना कहीं माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा दुख, जो गम का पहाड़ टूटा है, वो कोई भी इस गम या दुख को कम नहीं कर सकता, पर कहीं ना कहीं एक पिता की जो पुकार है, एक पिता जो इंसाफ मांग रहे हैं, वो ज़रूर मिलना चाहिए। हम अपने पुलिस के आला अधिकारियों से यही अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं, अगर वाकई ही किसी बीमारी के कारण डेथ हुई है वो भी सामने आ रहा, अगर वाकई इस मृत्यु के पीछे कोई और तथ्य है तो उसको भी सामने लाना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि माता पिता का जो विश्वास है वो कायम रहे। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।